को मेरा बहुत बहुत राधे राधे नमस्कार। कई लोग क्या कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को से श्रावण मास में मनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर देते हैं ऐसी गलतियां जिन गलतियों के कारण हम लोग पूरे पूरे व्रत का, पूरे श्रावण मास का वो लाभ नहीं ले पाते जो हमको लेना चाहिए। इस श्रावण मास में गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज जो व्रत आप कर रहे हैं, जो फल आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होगा। मतलब कहते हैं ना कि इतनी मेहनत के बाद भी हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत करें और आपको कुछ लगे, तो उसके लिए मेरे इस शब्दों को, इस वीडियो को श्रावण मास के पहले सोमवार को मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही सोमवार से इस बात को नोट कर लीजिए। और जब तक श्रावण मास रहे, क्योंकि ये श्रावण मास दो महीने का अधिक मास भी है, 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक होगा एक विशाल आयोजन, से नाम वृंदावन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, शिव महापुराण की कथा आदि आदि का प्रसंग रहेगा। आप सब उससे जुड़िए, अपने सारे अमंगलों को नाश कीजिए। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, गलती से भी ये गलती मत कीजिए। कौन सी गलती नहीं कीजिएगा, गलती बताता हूँ। पहली गलती, माताएं बहन गलती से भी श्रावण के सोमवार के दिन अपने बाल न धोएं। आप सोच रहे होंगे हम तो धो चुके, चलो ये गलती हो चुकी, एक माला कर लीजिए नमः शिवाय के नाम की और बाबा भोलेनाथ कर देंगे क्षमा। लेकिन आने वाले जितने भी सोमवार हैं, हर माता बहन को सुना दीजिए वीडियो, हर माता बहन को सुना दीजिए, क्योंकि माताएं बहन अधिक व्रत करती हैं सोमवार के, और वो छोटी छोटी अनजाने में गलती कर बैठती है, जिसके कारण जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, और फिर अश्रद्धा हो जाती है भगवान में। गलती हम करते हैं, अश्रद्धा भगवान में हो जाती है। इसलिए गलती से भी सोमवार के दिन से भी गलती करके भी दो कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए पूरे श्रावण मास में, और वो हैं ब्लैक एंड ब्लू, नीले और काले। इन दो कलर के कपड़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए पूरे श्रावण भर में। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिले, तो इन दो कलर के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, भाइयों को भी नहीं पहनना चाहिए। भाइयों को चाहिए कि अगर आप सोमवार के व्रत करते, तो देखिए आज मेरा सोमवार का व्रत है और मैंने भी सफेद वस्त्र, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ को सफेद वस्त्र पसंद है, भोलेनाथ को सफेद मिष्ठान पसंद है, भोग में भी सफेद और पुष्प में भी सफेद, उनको श्वेतांबरी कहा गया है, श्वेतांबरी, श्वेतांबर और श्वेत भस्म धारण करने वाले बाबा भोलेनाथ है, और हमारे श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करने वाले हैं, तो श्वेतांबर भगवान भोलेनाथ के लिए, इसलिए आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैंने भी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो सभी पुरुषों को श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, ब्लैक और ब्लू, इससे आपको भी बच के रहना चाहिए। एक और बात, माता बहनों को दो कलर पहनने चाहिए व्रत के दिन, या तो हरी साड़ी, हरी चूड़ी, या फिर लाल साड़ी और लाल चूड़ी। इनका प्रयोग ज्यादा करें व्रत वाले दिन, जिससे लाभदायक हो, क्योंकि लाल जो है सुहाग का प्रतीक है, और जो माँ पार्वती है उसे प्रकृति कहा गया हो, प्रकृति का हरा भरा, आप देखिए श्रावण में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, तो हरी साड़ी अवश्य पहने माता है बहन सोमवार के दिन, हरी चूड़ी अवश्य पहने श्रावण के सोमवार के दिन, और हरी मेहंदी अगर हो सके माँ पार्वती को अवश्य दान करें। इन चीजों से आपको बच के रहना चाहिए। और एक और बात बता देता हूं, नाशपाती गलती से भी ना खाएं, ये फल ना खाएं, नाशपाती जिसका नाम है ये नाशपाती, और संभव हो सके तो न तो शिवजी को चढ़ाएं नाशपाती और न खुद ग्रहण करें नाशपाती। श्रावण में अलग अलग दिनों में आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आप इसका सेवन बिल्कुल भी न करें। अगर चाहते श्रावण मास का पूरा फल आपको मिले, व्रत का पूरा फल मिले सोमवार का, तो इन चीजों को आज से अभी से फॉलो कीजिए।